अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई जान काफ़ी जो है ना अभी संडे की थोड़ी लेट आ रही है वीडियो हफ्ते का दिन है, और ये कि माशाल्लाह से पूरा का पूरा फ्लॉग बाइंड अप हो रहा है। आज वेट बहुत ज़्यादा डाउन है, हद से ज़्यादा डाउन है। सिर्फ इस वजह से निकाल रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। दूसरा ये कि इनका इतना खास कोई वेट में मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, कि मैं जो खिला रहा हूँ उसमें वेट में मुझे इतना फ़र्क नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि यार निकाल देता हूँ, खैर है अल्लाह मालिक है। अब क्या हिसाब किताब होता है, लॉस हो रहा था अल्लाह मालिक है, जो भी हिसाब किताब होता है। बाकी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जाने स्टार्ट हो गई हैं। दूसरे भाई जो है वो हमारे अंदर है, उसी तरीके से वो पकड़ते हैं, वो भी अंदर जाते हैं, और साथ नीचे गाड़ी खड़ी है। किस तरीके से कांटा होता है, क्या हिसाब किताब होता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आज बताते रहेंगे। शोर आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपने, लेकिन गौर से सुनेंगे, हैंड फ्री लगाएंगे, गौर से अगर आप वॉइस में सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा बेसिकली कि नहीं यार जो है वो वीडियो आज की अच्छी बन रही है, क्योंकि साफ सी बातें देखें इस तरीके से वीडियो कोई भी नहीं बनाता, वो सिर्फ आप लोगों के लिए बना के दे रहे हैं हम लोग। तो चले फिर इंशाल्लाह नीचे भी आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं और ऊपर का भी दिखाते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा अभी 20 दाने जो आए थे ना वो इधर आ गए, ठीक है जी। 2 क्रेट का वज़न हो गया, साफ़ी वज़न भी निकल के आ गया। अभी इसी तरीके से उसको 2 क्रेट रख के उसको माइनस करेंगे, तो इसके अंदर मुर्गी आएगी, उसको वो करेंगे। खैर सुजुकी आई भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है दूसरा चक्कर जो बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तीसरा चक्कर भी लग जाएगा अगर एवरेज अच्छा बैठी तो। अभी तक तो फिलहाल ये देखें कि 41 किलो आया है 20 दानों का, तो अभी देखें इसको टेयर वेयर करके इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं आपको, और साथ ही साथ लिख भी रहें ताकि ये कि हमें भी आसानी हो और आप लोग के लिए भी एंड में बताने के लिए भी आसानी हो, उनके लिए भी आसानी हो तमाम चीज़ों में। तो फिर इंशाल्लाह ऊपर भी दिखाते हैं, अभी कोई है नहीं नीचे तो वज़न वगैरह के लिए खड़ा हूँ, जैसे कोई नीचे आता है तो फिर इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यार देखें, अभी जो है ना इस वक्त जो है ना रिकॉर्डिंग भी आ रही है और जो है ना लाइव वीडियो भी बन रही है, तो देखें इस वक्त जो है ना आपने लाजमी खड़ा होना है जब आपके माल का वेट हो और जब आपका माल कोई पकड़ रहा हो। वो हिसाब से बातें देखें, ये इनका कोई भरोसा नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने पकड़ा और उनके पाँव में आके मुर्गी मर गई तो वो तो बोलेंगे मुर्गी मर गई, तो वो आपका लॉस है। तो आप इस उसमें खड़े रहें, आपको पता चले बेसिकली कि नहीं यार मेरी सारी मुर्गियाँ सही थी, इनकी वजह से हुआ जो भी हुआ, और वेट लाजमी चेक किया करें। जैसे ये जो वेट था ना ये गलत आ रहा था, तो ये उन्होंने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया कि भाई ये तो गलत आ रहा है। उन्होंने फौरन जो है ना चीज़ को देखा और इसको जो है ना फिर इन्होंने टेयर वगैरह किया। तो मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे पता चल सके बेसिकली कि कोई डंडी वंडी तो नहीं मार रहा है या कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही, बाजा बार गलत बयानी से भी हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो खड़े रहा करें आप लोग लाजमी, जब भी कोई भी माल दें, बेशक 50 kg भी माल देना तो उसमें लाजमी आप लोग खड़े रहा करें। तो बाकी ये देखें अभी जो है ना इस वक्त जो है ना आपने देखा जैसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आ रही हैं, लाइव भी आ रही हैं, तो यार देखें इन सिचुएशन में ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि दिमाग आपका दोनों तरफ होता है। तो अभी जो है ऊपर की तरफ भी देख रहा था, नीचे भी देख रहा था, तमाम चीज़ें देखना ना, तो ऊपर नीचे होना, तो फिर दिमाग जो है ना थोड़ा सा वो आपको पता है कि थोड़ा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, एक तरफ नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने काफ़ी हद तक बनाने की कोशिश करी थी। बाकी कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखें जैसे दोबारा से क्रेट का वज़न हो रहा था ना, तो मैं लाजमी इतना खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि यार क्रेट का वज़न हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि वो बुक में लिख भी रहे हैं नहीं लिख रहे, तो वो तमाम चीज़ें मेरी ये अच्छी थी कि जो आरती हैं बेसिकली ये हमारे शॉप वगैरह पे भी माल दे रहे थे, तो हमें आइडिया था कि भाई ये किस तरीके से जो है वो हैं, तो हमने इनसे ही डील किए जो भी हिसाब किताब हुआ है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देखिए ये प्रोसीजर होता है पूरा पकड़ने का ना, इस तरीके से पकड़े जाएंगी मुर्गियाँ और नीचे जा रही है। बहरहाल भाई अभी उनको पकड़ने देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कि यार ये फ्लॉग मैंने अचानक क्यों निकाल दिया। और लेकिन एक सीधी सी मैं बात हमेशा से करता हूँ कि देखें अगर आपको लगता है कि आपसे चीज़ समझ नहीं रही या कोई मसला आ रहा है या आपके पास वेट जो है वो वैसा नहीं गेन हो रहा, तो आप फिर जो है वो निकाल दें। मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछा, सब चीज़ों से पूछा, सब लोगों को बताया कि भाई ये सीन है, तो सबने बोला FCR तो कम आ रहा है। तो देखिए बैग का मसला नहीं था ना उसका मसला था, मैं खिला देता, लेकिन बात सारी है कि भाई फीड हो गई है इससे ज़्यादा महंगी, 7,000 की फीड हो गई है, FCR नीचे आ रहा है, तो टोटली आप लॉस में ही चलते रहोगे। लेकिन अगर नसीब में लिखा हुआ था ना अल्लाह पाक ने लॉस, तो वो होना ही था सही। ये अब बहाने होते हैं कि आपकी वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया, लेकिन ये देखें अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है और आपने अच्छे से पाला जैसे हमने पाला, अच्छे से सारी चीज़ें आपके सामने थी, A to Z तमाम चीज़ें हमने दिखाई आपको, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, होता है बाज़ पर अल्लाह के जो नसीब में होता है, जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है हमारे नसीब में, तो वो चीज़ें तो होती हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको दिखा देंगे कि भाई
कितना लॉस हुआ है या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। इतना मैं आपको बता दूं भाई कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, और मुझे अगर प्रॉफिट, मैं दुआ ये कर रहा हूँ, आप लोग भी ये दुआ करें कि प्रॉफिट ऐसा हो कि लॉस कम से कम हो भाई। तो मैंने आपको ये बता दिया लॉस है, तो बहरहाल आप लोग ने दुआ करनी है नेक्स्ट ब्लॉगों के लिए। और देखें ये कारोबार का हिस्सा है, ये कारोबार का हिस्सा है कि आपने जो है वही कारोबार करना है जिसके अंदर दोनों चीज़ें हों, नुकसान और फ़ायदा। ये तो आप ये समझें कि हमारी शरीयत में भी इस चीज़ को पसंद किया हुआ है कि भाई कारोबार वही बंदा करे जिसमें फ़ायदा भी हो उसमें नुकसान भी हो, तो वो वाला कारोबार करना चाहिए इंसान को। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आपको सब्र से काम लेना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो करता है ना आपकी बेहतरी के लिए करता है। तो बात वो बात सारी वही है, नेक्स्ट व्लॉग कब डालूंगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, कितनी क्वान्टिटी दोबारा डालूंगा सारी चीज़ें बता दूंगा। सैड न्यूज़ बन रही है यार, लेकिन मैं किस तरीके से बताऊँ आपको, कोई एक दो गुड न्यूज़ भी थी लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं कर रहा मैं, अभी देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। और ये कि भाई इस कंडीशन में मैं आपसे से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग हेट कमेंट करेंगे, मुझे सिर्फ वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, चैनल इसलिए बनाया है कि जो हमारे भाई जॉब वाले हैं, जो हमारे भाई घर के अंदर रिटायर बैठे हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, जो लो स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको प्रेफर हमेशा से करता हूँ भाई ये काम करें। अब वो लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर लॉस होता है और आप कैसे बोल रहे हो कि भाई ये काम करें, देखें हमेशा से मैं बोलता हूँ कि भले लॉस हो लेकिन इसके अंदर फ़ायदा भी है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कितना फ़ायदा हुआ था, खैर और अभी अगर नुकसान हो रहा है तो उसको नहीं काउंट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने पूरा साल रखा है, कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ बचत होगी, तो उस चीज़ को आप लोग परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक जो करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। बाकी यही कि भाई चैनल बनाने से इसलिए था कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई क्या था, क्या मकसद था, और यही है भाई अगेन कि देखें इसमें यह होता है कि जो हमारे भाई हैं जो 50-60 हज़ार रुपये या 70 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे हैं, तो वो कुछ चाहते हैं कि यार कुछ जो है ना उनके उसमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा हाथ जो है ना वो टाइट ना हो, थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपये भी अगर कोई कमा रहा है तो उसका हाथ टाइट है। तो बहरहाल भाई देखें अल्लाह ने जो लिखा हुआ होगा आपके नसीब में होगा, लेकिन मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगता है कि 40 दिन में बाइंड अप है। दूसरा ये कि अगर इसमें नुकसान है ना तो नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉफिट भी है, और इतनी ज़्यादा कोई खास कोई मैं बोलूँ कि रॉकेट साइंस कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है छोटे स्केल वालों के लिए। बाकी भाई इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं नीचे जाके और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा यार देखें इस वक्त जो है ना अच्छा खासा मेरा माल जो है ना वो तैयार हो गया था, जो क्रेट के अंदर आ गया था, और क्रेट के अंदर जो है ना मैं आपको बता दूं कितनी मुर्गियां जाती हैं, वैसे तो 12 मुर्गियां जाती हैं लेकिन उन्होंने 10 मुर्गियां रखी थी क्योंकि गर्म मौसम हुआ हुआ था सारी चीज़ें, लेकिन उस हिसाब से माल जो है ना माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन था, क्योंकि जिस किस्म का वो निकल रहा था, जिस किस्म का एक्टिव हुआ हुआ था ना, आगे जाके आपको वीडियोज़ में दिखेगा कि माल जो है ना मेरा किस तरीके से क्रेट से उछल के बाहर आ रहा था। खैर देखें मैं ये आपको ये बता दूँ कि लॉस तो हुआ है, खैर अल्लाह मालिक है कि अल्लाह की बेहतरी होगी इसके अंदर, और कितना लॉस हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगा। बाकी ये कि भाई आज जो है ना ये फ्लॉग भी बाइंड अप किया था हम लोग ने, और इसके अलावा ये कि सफाई वफाई भी हम लोग को करनी थी, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे भाई किस तरीके से करना है ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप जो है ना जैसे आपने देखा कि मैं ऊपर खड़ा हुआ था फिर नीचे आया तमाम चीज़ें, और क्योंकि ये जो है ना यार ये वज़न जो है ना आप ये समझेंगे आपका पैसा है, अगर इसमें घपला हो गया तो समझें आपके पैसों में घपला हो गया, तो साफ सी बात है इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बाकी अगर माल आपके घर से निकल के कहीं और जाते हैं, इन्होंने बेशक जो है ना आपके पास उठा के लेके चले गए, तो अब ये उनका माल है, अब मरता भी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो जो है ना जब तक आपका माल जो है ना वो सप्लाई नहीं होता जब तक आपको ख्याल रखना है कि भाई नहीं मेरे घर से ये माल आगे नहीं किया। अभी मुझे पता है कि मेरे बॉस से जो है ना कमेंट्स आएंगे कि भाई आपने बोला होल्ड करें होल्ड करें, तो मैंने ये रीज़न बता चुका हूँ, जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं ना तो उनको पता चल रहा है यार मैंने माल क्यों निकाला था क्या वजह थी। अभी माशाल्लाह से माल देखा ना बिल्कुल एक्टिव है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि कुछ दिन में ही ये माल जो है ना मुझे थोड़ा सा तंग करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि भाई नहीं कल नहीं तो सही आज ही फैसला करें और अच्छे से माल सप्लाई हो जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कल को कुछ होता है तो खुदा ना खास्ता ना शॉप पे यूज़ कर सकता है बंदा ना ये इनको आड़ती या ब्रोकर वगैरह को माल दे सकता है, तो वो टोटली लॉस है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि माल उठता किस तरीके से। देखें जैसे फार्म रेट आया है ना 248 का, तो इसमें ये लोग करते हैं कट। अब कट का ये होता है कि आप जैसे फीक रेट में 10 मुर्गियाँ हैं ना, अब आपको लाजमी समझ में आएगा, आप लोग होते हैं ना कट क्या है कट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कट होता है ये तो पैसों में कट होता है, दूसरा ये होता है कि पैसे के साथ साथ
वजन में कट। अब जैसे ये 10 मुर्गी है ना, इसका टोटल आप समझें कि 20 किलो वजन बन रहा है, तो ये कट इस तरीके से लेंगे कि इसमें से आधा किलो माइनस कर देंगे और आपको जो है ना पैसों में इस तरीके से कट लेंगे कि ये जो है ना 5 रुपये 6 रुपये का कर देंगे। अभी देखें इनको मस्तियाँ सुझी थी, तो ये देखें किस तरीके से घुमा के लेके गए, तो ये जो है ना अभी देखें कैसे हंस रहा है। तो ये कि मस्तियाँ वस्तियाँ भी चल रही होती हैं। बाकी ये कि भाई देखें पैसों में कट जो है ना वो आपका लॉस है, मतलब वज़न में कट। तो मैंने जो है ना ऐसा किया कि मैंने इनको बोल दिया कभी मैं वज़न में एक पाव भी आपको कट नहीं दूंगा। मैंने इनको जो है ना पैसों में 8 रुपये की अच्छी खासा जो है ना वो मैंने कट दिया है। लेकिन खैर है, काम का हिस्सा है और यही होता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि 4 रुपये 5 रुपये पे काम होता है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 रुपये 5 रुपये पे जो बड़े आड़ती होते हैं ना वो भी अच्छा खासा कट लेते हैं, और फार्मर से जो है ना ये लोग वज़न में भी कट लेते हैं। तो खैर ये जो पैसा कैश में काम कर रहा होता है उनका अलग हिसाब किताब होता है, उधार में करता नहीं हिसाब से बात है तो उनका अलग हिसाब किताब होता है। बाकी आगे जाके इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सुजुकी इन्होंने लोड की है, किस तरीके से चढ़ाया है इन्होंने माल, और माशाल्लाह से माल आप देख सकते हैं यार किस तरीके से हमारा तैयार हुआ। वरना आप देखते हैं सप्लाई वाली गाड़ियों में माल किस तरीके से होता है, बिल्कुल ही टोन होता है, लेकिन ये माशाल्लाह से इस तरीके से माल था कि जब ये नीचे उतरा है ना तो मोहल्ले वाले और जो ये जो बेसिकली पकड़ रहे थे, लोडर पकड़ रहे थे गाड़ी वाला था, तो वो उन्होंने बोला कि यार माशाल्लाह से माल ऐसा है आपका ज़बरदस्त कि हमें खुद नहीं पता चल रहा कि माल जो है ये वाकई में माशाल्लाह से अच्छा पाल है। तो बात सारी यही है, देखें चीज़ें अच्छी होंगी ना तो अच्छा पालेगा। अब ये देखें कैसे ऊपर से फेंक के जो है ना वो क्रेट भरते रहेंगे। तो यही होता है, जिस तरीके से मज़्डा में लोडिंग होती है उसी तरीके से सुजुकी में होती है। जाहिर सी बात है अब क्रेन व्रेन तो होती नहीं है, तो ये इस तरीके से देखें झूला देते हैं और फिर फेंकते हैं। तो यार बड़ा मुश्किल काम है ये, मेहनत वाला काम है, जो लेबर होती है ना उसका जो आग खून पसीना एक हो जाता है। बाकी यही है कि भाई अभी जो है ना गाड़ी रवाना हो गई और बाकी जो है ना दूसरी गाड़ी लगेगी, और दूसरी गाड़ी का ये सीन था कि भाई वीडियो जो है ना वो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं आपको टोटल वज़न बता देता हूँ, टोटल जो वज़न आया है ना मेरा आया है 1170। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मैंने माल क्यों निकाला, और जो है मैं एक दिन का वेट भी कर सकता था सारी चीज़ें थी। देखें इसके अंदर जो मुझे जो प्रॉब्लम आई ना, मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम किस तरीके से मैंने कैच करी कि मेरा बर्ड जो है ना 2 दिन से फीड जो है ना कम कंज्यूम कर रहा था। आएंगे देखें माशाल्लाह से कितना एक्टिव है, रेड कॉम हुआ हुआ है, तमाम चीज़ें बीट वीट सब हो गए। तो मैंने जो है ना उस चीज़ को फौरन देखा और तीसरे दिन मैंने नोट किया ना, तो मेरे बर्ड ने डाइजेशन में इशू हुआ। तो मैंने सोच के यार नहीं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए ना, बड़ा मसला हो जाए। देखें मोटा मोटा जो पैसा है ना मेरा, देखें इसमें तो लॉस था मेरा। तो मैंने सोचा यार देखो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो ना कि मेरी पूरी ही इन्वेस्टमेंट डूब जाए अंदर। वो अगर माल बिगड़ता है ना कोई भी नहीं खरीदता। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली शेड पे डाला था मुर्गियाँ 4500, जो हमारे पास से ही चूजा गया था। उन्होंने सफाई का ख्याल नहीं किया, उनके पास NDI, उनके पास CRDI, उनके पास जो है इन्फ्लुएंजा आया और उनके पास हर चीज़ आई। तो वो तमाम के तमाम जो है ना वो आपके उनके बर्ड एक्सपायर होगा। यकीन करें उनके 35 से 40 लाख रुपये का लॉस हुआ, पूरी इन्वेस्टमेंट डूब गई, बीमार बर्ड कोई भी नहीं खरीदता। अच्छा यार हमने देखा कि कुछ क्लिप जो हैं रिकॉर्डिंग आ रही हैं, कुछ क्लिप जो हैं हमारी लाइव भी आ रही हैं। इसके अलावा ये कि भाई पूरा माल निकल चुका है, पूरा माल। और दूसरा ये कि जैसे आपको मैंने दिखाया था, अभी जो है ना सफाई भी स्टार्ट कर दी है मैंने ना, तो ये वाला हिसाब किताब है सारा। इस तरीके से लेके चलना है ताकि इधर की सफाई पाई होके ना दोबारा फिर सोचें कि इन फ्यूचर पर डालना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या है ये वो। अभी बुलाया था, अभी दिन से पहले भी मैं करवाते रहता हूँ, फिर इसके अलावा 2-4 दूसरे भी काम करवाता हूँ, तो उनको बुला लिया था सफाई वगैरह के लिए। तो ये कि भाई आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी, और हाथ के हाथ ही आज सफाई हो जाएगी। तो ये कि कम से कम एक स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो इतनी नहीं थी खास, कोई स्मेल थी ज़्यादा नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है अब तो बर्ड भी ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी एक सफाई अच्छी चीज़ है, सफाई हो जाएगी। तो फिर कल 1-2 दिन में इंशाल्लाह, कल ही मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के धो दूंगा। उसके बाद कोई देखते हैं क्या करना है, किस हिसाब से। अभी वलीद भी आएगा तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हुआ तो नेक्स्ट इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, देखूंगा वीडियो लंबी बन रही होगी, इस वीडियो को एंड करके नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। और दोनों वीडियो में फिर मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए यार। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की अभी इस वक्त ज़रूरत है। तो चले मैं इंशाल्लाह अभी जो है ना ये कर दिखा देते हैं आपको, उसके बाद जो है ना फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी आप कंडीशन देखना, उसके बाद दिखाते हैं, पूरा फ्रेश व्रेश हो जाएगा ना। ये पानी के बर्तन भी साफ़ करने हैं, ये पानी के बर्तन भी धुलेंगे, ये वाटर लाइन भी धुलेगी, दीवारों पे चूना होगा, दीवारें धुलेंगी, तमाम ये पंखे वंखे निकलेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं कैसे तरीके से क्या हिसाब किताब करना है।